हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हाँ, क्या मज़ा आ रहा है यार, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बस मज़ा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। वैसे तो मज़ा आ ही रहा है बहुत, बट थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो भी रहा है। वो क्यों हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों हो रहा है। 80% मज़ा आ रहा है और 20% मज़ा ख़राब हो रहा है। ये कौन सी जगह है? रुको, मैं पहले आपको जगह दिखाता हूँ फिर बताता हूँ ये कौन सी जगह एग्जैक्टली। वो सामने है जानकी सेतु या जानकी ब्रिज, और वो सामने है जहाँ पे मैं सुबह आया था एक दिन मॉर्निंग वॉक करने। वो सामने है आस्था पथ, पूरा उधर से स्टार्ट हो के मैं जनरली क्या है उस तरफ वहाँ पे खड़ा होके एक दिन मैंने व्लॉग बनाया था, तो मैं आपको कह रहा था कि मैं इस तरफ आना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये वही वाली जगह है। आज मैंने स्कूटर खड़ा कर दिया उधर और मैं आ गया हूँ इधर। यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ इस जगह पे, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मूड मेरा क्यों ख़राब हो रहा है यहाँ पे आके थोड़ा बहुत। ये देखो, ये नाला है, मतलब ये गंदा पानी है, सीवेज वाला, ये सारा सीवेज वाला गंदा पानी है इधर जो इधर छोड़ा जाता है। देखा, आ गया ना मैं उस जगह पे जहाँ मैं कह रहा था कि मैं आना चाहता हूँ। और जो सीवेज वाला पानी है ये यहाँ पे छोड़ा जाता है यार, यहाँ पे पता नहीं क्यों छोड़ा जाता है, सीधा गंगा उसमें जाता है ये, शायद गंगा रिवर में ही जा रहा है मेरे को लग रहा है। उधर मैं उधर की तरफ ही जा रहा हूँ वैसे, हाँ, और उधर ही जाता है पानी। आज मौसम बढ़िया हुआ पड़ा है, हवा चल रही है बहुत। सारा पानी सीवेज वाला, वो देखो सामने कितनी तेज हवा चल रही है, मिट्टी कैसे उड़ रही है, रेत। चलो यहाँ चलते हैं ऊपर। आज पहली बार मैं इतने दिनों से व्लॉग बना रहा हूँ, आज पहली बार मैं ऐसे आया हूँ स्लीपर्स पहन के या चप्पलें पहन के कह लो, बूट पहन के नहीं आया, वरना पूरे बूटों में बूट्स में मेरा रेत ही रेत घुस जाती थी। महर्षि नहीं कुटीर, चलो ऊपर चलते हैं, अब देख के आते हैं। मैं भी नीचे ही जा रहा हूँ, ऊपर तो उन्होंने बंद कर रखा है, वो जाली सी लगा रखी थी, तो फिर मैं नीचे ही आ गया यहाँ से। अब ऊपर बाबा बुबा से रहते हैं, यहाँ पे अंदर बाबा थे कुछ, और सामने भी इधर भी रहते हैं। ये देखो, सामने देखो गेट है, वो बिल्कुल दबा पड़ा है रेत में, और ऐसे ही यहाँ पे भी है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो बारिश आ रही थी, अब धूप निकला है वापस दोबारा से। ये देखो हवा, Thank you.
यहाँ पे सत्संग होता है, ये सत्संग के लिए है जगह। और जो ये वाला रास्ता है ना, ये जो उधर जाता है, ये साहब इसके साथ में बीटल्स आश्रम है, इसके जस्ट साथ में। ये देखो, ये बीटल्स आश्रम है, वो ऊपर मेडिटेशन वाले हट्स हैं। एक्चुअली ये वाला एरिया शायद एक्सेसिबल नहीं है, पता नहीं, ये यहाँ पे कोई आता नहीं है वैसे इस वाले एरिया में, क्योंकि जब मैं आया था तब मैं यहाँ पे नहीं आया था। यहाँ पे शायद आने नहीं देते किसी को, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, कोई शायद मैनेजमेंट वाले ऐसे कुछ रहते होंगे, पता नहीं मेरे को। ये देखो, ये इसके एंट्रेंस है। यही वाला वो रास्ता है भाई जो बीटल्स आश्रम की तरफ जाता है। आज कितने दिनों बाद यहाँ पे आए हैं। आज बहुत दिन बाद आया हूँ मैं रामझूला वाली साइड, और यहाँ पे भीड़ देखो यार कितनी है। आज सैटरडे है ना, ये भी रीज़न है, सैटरडे संडे को तो वैसे ही बहुत भीड़ होती है। तो ये वाला जो बीच है ना, ये वही है जो क्या कहते हैं रामझूला के साथ में ही है जस्ट। तो बहुत से लोग इसको समझते हैं ये गोवा बीच है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है गोवा बीच करते रहते हैं यहाँ आगे। ये एक्चुअल में गोवा बीच नहीं है भाई, गोवा बीच इसके आगे है। उसका मैंने एक्चुअल में वीडियो बनाया, आपने देख लिया होगा, वो एक्चुअल में गोवा बीच है, ये गोवा बीच नहीं है। लोग इसको गोवा बीच समझते हैं बट नहीं, ये नहीं है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं अब घर, लॉक को करते हैं एंड, क्योंकि अब होने वाला है अंधेरा, काफ़ी देर हो गई आज घूमते घूमते। तो मुझे बता देना ब्लॉग कैसा लगा, आपको पसंद आया या नहीं। ब्लॉग को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जैसा कि आपको पता ही है हर बार। ठीक है जी, चलें फिर, ओके बाय, चलते हैं।